हम हो चुके हैं रेडी, मॉर्निंग वॉक करके आए, उसके बाद हम फ्रेश व्रेश हुए, नहाए हुए और रेडी हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और विशाल पूजा कर रहा है अभी, और बाकी सब नीचे पहुंच चुके हैं, मैं रेडी हूँ, चलते हैं। गुड मॉर्निंग, अभी तुम लोग वेट ही कर रहे हो ब्रेकफास्ट का? हाँ, 20 मिनट लगेंगे अभी। चलो विशाल पूजा कर रहा है, निकी मतो निकल रहे हैं, आ रहे हैं अभी, बस ना वही वाली बात। चाय सेम टू सेम ऐसे चाहिए ना, ऊपर ना नीचे, आगे वो चाय में डिफरेंस है। हाँ, कोई फ्लेवर नहीं चाहिए, कल वाला सारा फ्लेवर आया था, सारा ही नाला चाय का। चाय नहीं टेस्टी आज, कल की चाय बहुत टेस्टी थी, कल की चाय में दूध ज़्यादा है, सफ़ेद सफ़ेद चाय देखो। सो हम लोगों का हो चुका है यहाँ से चेकआउट, और हम लोग अब यहाँ निकल रहे हैं, और काफ़ी अच्छा होटल था हमारा ये, थैंक यू, काफ़ी अच्छी सर्विस थी आपकी, और काफ़ी अच्छा खाना वगैरह सब बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। आपके होटल का नाम क्या है? अराध्या। अब मुझे कार्ड देंगे, मैं मेंशन करूँगी अपने ब्लॉग में, यहाँ का जो भी एड्रेस वगैरह मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लीजिएगा कभी भी आपका आना हो तो, काफ़ी अच्छा होटल है, तो विज़िट कीजिएगा, चलते हैं आगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, चलते हैं अब हम आगे। पार्किंग हमारे नीचे गाड़ी है, सामान वगैरह पार्क सब लोड कर रहे हैं, वो रहे सारे लोग, दिखाती हूँ अभी सामान लोड कर रहे हैं सब। लोडिंग हो रही है हमारी, चल चल तुम देख रहा हूँ, हो चुका है हमारा चेकआउट, और हम निकल चुके हैं हमारी गाड़ी, कोई नहीं अभी, कोई नहीं होटल से बाहर, हम निकल रहे हैं यहाँ से, अल्मोड़ा से निकल रहे हैं, और चलते हैं आप यहाँ से। जूम, पीछे भैया बाबा हैं, ये रहे। ट्रैवल करते करते थक गए हैं, अभी हम पहुँचे हैं हल्द्वानी, और अब आए हम बीकानेर वाला, कुछ खाएंगे पियेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और ये है मेरी फैमिली, थकी हुई फैमिली, थकी हुई फैमिली, ड्राइवर बेचारे थक गए हैं। लेकिन वो ऑर्डर कर रही है? नहीं, वो तो वहाँ है पीछे, तो कुछ करते हैं ऑर्डर, फिर मिलते हैं। हल्द्वानी का बीकानेर वाला, दिल्ली का बीकानेर वाला तो दिखा ही आप लोगों ने, बीकानेर वाला तो बॉर्डर पड़ता है ना, लेकिन विशाल बोलिए ठंडे ही है तुम, क्यों ठंडे? नहीं नहीं ठंडा नहीं, आधा खत्म करेंगे तो बोलो ठंडा हो गया। आइसक्रीम 30 की सुराधा 15 और की है। हां, निकी के पास आइसक्रीम है भाई, जब स्टार्ट करेंगे ना चॉकलेट आइसक्रीम, तुमने भी खानी आइसक्रीम विशाल, हो गया डन डन डन। लेकिन शर्मा शर्मा के खा रही है चुपके चुपके, लेकिन तेरी गरीब है ना, ये तेरे को डार्क चॉकलेट खाना नहीं पता। पहुँच चुके हैं हम लोग मुरादाबाद, और यहाँ रुके हैं हम चाय वाय पीने के लिए थोड़ी देर, तो मैंने सोचा यहाँ की थोड़ी वीडियो बना लूँ, बहुत अच्छा लग रहा है देख के चारों तरफ क्या क्या है यहाँ पता नहीं।
हम लोग ऐसी जगह पर आए हैं कि ये अभी 12 दिन पहले ओपन हुआ है और हम इनके बहुत रिसेंट वाले यहाँ पर कस्टमर हैं और हम यहाँ चाय पीने रुके हैं। तो ये जगह का नाम है मिठा सिंह ढाबा स्पेशल। और ये कौन जगह कौन सी है ये मिठा सिंह ढाबा? ये है मुरादाबाद रोड पर है ये। और काफ़ी अच्छा है, बहुत यूनिक है, देखिए तो नीट एंड क्लीन और काफ़ी अच्छे यहाँ की वाइब्रेशन है। और ना हम लोग आए तो उन्होंने लाइट ऑन की, लाइट ऑफ करके बैठे हुए थे सारे। हम लोग आए यहाँ पे तो उन्होंने लाइट ऑन की, हम लोग डर के मारे अंदर भी नहीं आते शुरू में, लेकिन जब बच्चे की करके अंदर आए तो हम लोग उनके पीछे पीछे अंदर आ गए। और विशाल ने बोला सेफ है आ जाओ कोई, मुझे तो डर लग रहा था कि अंधेरा था, इन्होंने हमें देख के लाइट जलाई है सारी, सारी लाइटें ऑन। हम सिर्फ चाय पकौड़े खाने बैठे, इन्होंने 4 एसी ऑन किए हैं, 2 बड़े बड़े कूलर ऑन किए हैं जम्बो जेट और सारी लाइटें, ये सब कुछ हमारे लिए ऑन किया है इन्होंने। मैं हैरान हूँ कि चाय और पकौड़ों से क्या कमाएँगे, उतने का तो एसी चल जाएगा अभी। बट एनीवेज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में ये सब तो करना ही पड़ता है। बट लेट्स सी चाय कैसी है और पकौड़े कैसे हैं, इन्जॉय करते हैं फिर आपसे पूरा शेयर करते हैं। अभी आएंगे पकौड़े तो शेयर करेंगे, फिर इन्जॉय करेंगे पकौड़े, ठीक है। सही बैठे आराम से पकौड़े का वेट कर रहे हैं, मेरी प्लेट लग चुकी है हम पर, अभी हम पकौड़े वगैरह आएंगे फिर हम लोग खाएंगे। काफ़ी सारे लाइट्स ऑन कर दिए हैं इन्होंने, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर माहौल। देखिए निकिता कहाँ गई, ठीक है भाई, पकौड़े आ चुके हैं और विशाल ने लिया आई थिंक ब्लैक कॉफ़ी, तो उसकी ब्लैक कॉफ़ी आ चुकी है ये, और वहाँ पकौड़े लग रहे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का, देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेलो, हमने ब्लैक कॉफी लिया, दाल चाय पे चर्चा। अच्छा हरी चटनी ये लो, लो भाई हरी चटनी खाओ, मिर्ची का खा के देखो तू, बहुत टेस्टी है भाई, टेस्टी होता है। चाय भी यम्मी है। चीयर्स। और चाय में है घर जैसा स्वाद और पकौड़े भी घर जैसे ही लग रहे हैं। ये किसे हम लोग तोड़ने का एंजॉय करते हैं हम लोग पकौड़े चाय और फिर मिलते हैं। हमारी गाड़ी के आगे एक गाड़ी जा रही है, उसके पीछे लिखा विधायक, तो ये ग्राम पंचायत फुलेरा के विधायक है या कहाँ के विधायक है पता लगे ना तो हम इनसे ऑटोग्राफ ले लें। देखिए गाड़ी पीछे लिखा विधायक। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गाजियाबाद और यहाँ से भाई का रास्ता अलग हो गया और हमारा रास्ता अलग हो गया। सो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो ये था हमारा 2 दिन का ट्रिप अल्मोड़ा का और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। थोड़ी गर्मी थी लेकिन सुबह शाम अच्छा मौसम था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर किसी भी रीज़न से अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।